हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। तो दोस्तों, नए साल का ये मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो अभी हाल फिलहाल में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, उस पर एक बार चर्चा करेंगे हम, ठीक है। बहुत कुछ हमने चेंजेस किए हैं, ठीक है। बहुत सारे चेंजेस किए हैं पिछले 3 से 4 दिन में, क्योंकि 3 से 4 दिन वीडियोज़ नहीं आई हैं। तो इसके पीछे रीजन्स था कि हम बहुत सारे चेंजेस पे काम कर रहे थे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को दोस्तों पूरे लास्ट तक देखिएगा, वरना आप बहुत कुछ मिस कर दोगे, ठीक है। एक वीडियो है, बाकी आप वीडियो देखते हो कि नहीं देखते हो, मैं उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, बट इस वीडियो को थोड़ा लास्ट तक देखिएगा। हमने बहुत सारे चेंजेस किए हैं जो आपको देखने को मिलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे हैं कि जो नए जुड़ रहे हैं, वो एक ही क्वेश्चन होता है उनका कि सर कहाँ से स्टार्ट करें। और जो वर्किंग वुमेन्स हैं, खासतौर पर इनके बच्चे हैं या फिर काम कर रही हैं, उनको सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन होता है कि सर प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज़ गाइड करिए। मुझे लगता है आप में भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको थोड़ा सा आइडिया नहीं होगा। बहुत सारे तो पहले से ही जान मतलब पढ़ चुके हैं मेरे से, या एनसीईआरटी कोर्स पढ़ चुके हैं, ठीक है, उनको बहुत सारे नॉलेज है। लेकिन जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं उनकी अगर हम बात करें, तो उनके लिए थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पे ब्रीफ में चीज़ें समझाना चाहूँगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर स्टार्ट कर देंगे। बहुत सारे हमने नए प्रोग्राम्स भी लाए हैं, तो उसके उसको डिस्कस करने के बाद करंट अफेयर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले एक चीज़ ये याद रखिएगा कि जो बच्चे यूपीएससी की, खासतौर पर आईएएस की तैयारी करना चाहते हैं, या स्टेट पीएससी, इसको बीपीएससी बोलते हैं, यूपी पीसीएस बोलते हैं, बाकी अदर स्टेट जैसे एमपी एमपीपीएससी, एमपीएस, महाराष्ट्र पीसीएस होता है, राजस्थान पीसीएस होता है, सो ऑन, राइट। सबके लिए देखो एक चीज़ कॉमन है। कॉमन क्या है? आपको दोस्तों एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। ये चीज़ याद रखिएगा, आपको एनसीईआरटी पढ़ना ही पढ़ना है, उसका कोई आपके पास सेकेंडरी चीज़ है ही नहीं, ठीक है। अब एनसीईआरटी बहुत सारे बच्चे की सर बुक्स कैसे पढ़ें, क्या छोड़ना है, क्या पकड़ना है, हमें नहीं पता। किन चीज़ों को ड्रॉप करनी होती है, किन चीज़ों को पिकअप करना होता है, हमें नहीं पता, राइट। किन चीज़ों को पिक करें, तो आपको बेसिकली क्या करना है, देखो एक तो आप अगर पढ़ सकते हो तो 9 से 12, मैं जनरली प्रेफर करता हूँ 9 से 12 करने पढ़ने के लिए, क्योंकि 68 में ना बहुत सारी चीज़ें बहुत ही मतलब काम की नहीं है, ठीक है। तो बच्चों जनरली मैं सजेस्ट करता हूँ 9 से 12 पढ़िए। अगर आप किताब नहीं पढ़ सकते दोस्तों, तो हमारे वीडियो पैक एनसीईआरटी का आप वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। पहला काम आपका बेसिक फंडामेंटल क्लियर करना, ये क्लियर हो गया, देन आपको किस पे जाना है, स्टैंडर्ड बुक्स पे। स्टैंडर्ड बुक्स भी मैंने वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको बहुत सारी वीडियोज मिल जाएंगी, ठीक है। अब आपको क्या करना है इसके आगे, इसके बाद दोस्तों आपको बेसिकली क्या करना है, आपको आना है दोस्तों इसमें स्टैंडर्ड वीडियो स्टैंडर्ड बुक्स में, ठीक है। अगर स्टैंडर्ड बुक्स आप नहीं पढ़ पा रहे, तो इसके लिए भी हमने फाउंडेशन कोर्स अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, ठीक है, जिसे क्लासेज आज से स्टार्ट हो रही हैं। तो आप चाहो तो वो भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपको लगता नहीं बुक से कर सकते, डेफिनेटली आप बुक के साथ जाइए। मैं आपको ये नहीं करता कि आप मेरा वीडियो कोर्स ही लेके पढ़ें, ठीक है। आपको अगर लगता है कि आप बुक से कर सकते हो, डेफिनेटली यू विल यू शुड गो विद द बुक्स, राइट। तो ये दोनों चीज़ें हो गई। सबसे पहले आपको एनसीईआरटी खत्म करना है, देन आपको अपना बेसिक फाउंडेशन खत्म करना है। बेसिक फाउंडेशन मतलब आपकी स्टैंडर्ड बुक्स खत्म करनी है। उसके अलावा एक चीज़ की आपको बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, मेंटरशिप की। मेंटरशिप की जरूरत क्यों है? जैसे आप क्रिकेट देखते होंगे, तो क्रिकेट में कोच होता है। किसी भी स्पोर्ट्स में देखिए, उनकी कोच की जरूरत क्यों पड़ती है? क्या क्या आपको लगता है विराट कोहली को कोच की जरूरत क्यों पड़ती है, या विराट कोहली अच्छे क्रिकेटर नहीं है? नहीं, विराट कोहली अच्छे क्रिकेटर है, लेकिन जो गलतियां करेंगे तो कौन बताएगा कि भैया आप गलती कर रहे हो, या कहाँ मिस्टेक कर रहे हो, या आप जब विराट कोहली का खेलने का मन होगा तो नहीं होगा तो कोच क्या कहता है, नहीं चलो प्रैक्टिस का टाइम है, करना तो करना है, राइट। तो अपने मन से हम क्या करते हैं, देखो हमारे साथ भी दिक्कत यही है, हम प्लानिंग ना पूरे साल की बहुत अच्छी करते हैं, हम प्लानर बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब एजुक्यूशन की बारी आती है, एग्जीक्यूट करना होता है हमें चीज़ें, हम वहाँ पर ढीले पड़ जाते हैं, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को बड़ा प्रेफर करता हूँ आज के टाइम पे, मेंटरशिप। ये बहुत पहले कॉन्सेप्ट नहीं हुआ करता था, लेकिन आजकल बहुत ज़्यादा मतलब चल रहा है, मतलब आजकल ऑनलाइन क्लासेस में भी मेंटरशिप प्रोग्राम बहुत अच्छे से चल रहा है, बहुत धूमधाम चल रहा है। ये प्रोग्राम को आपको जरूर अवेल करना चाहिए दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा, ठीक है। तो हमने रिसेंटली ये प्रोग्राम भी लॉन्च कर दिया, तो आप चाहे तो हमारा भी ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज आपके घर के आसपास भी कोई टीचर है तो उनसे मेंटरशिप प्रोग्राम ले सकते हो, किसी से भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि हम इसे लीजिए, किसी से भी ले सकते हो। अगर आप ये 3 चीज़ें करते हो, तो आप डेफिनेटली कोई भी एग्जाम क्रैक कर जाओगे। पहला अपना बेसिक फाउंडेशन क्लियर करिए, उसके बाद स्टैंडर्ड कोर्सेज आप कंप्लीट करिए, ठीक है। और ये दोनों आपको अगर नहीं हो पा रहा है, तो उसके लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको मेंटर की जरूरत पड़ेगी। तो आप मेंटर क्या करेगा, आपको बेसिक एनसीईआरटी के लिए पुश करेगा, प्लस जहां आप गलतियां करेंगे संडे को वो पूरे वीक का टास्क देंगे आपको। अगर आप टास्क नहीं पूरा कर रहे हो, तो आपसे पूछेंगे आप क्यों नहीं कर रहे हो, समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ उसमें होने वाली है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर जिनको पढ़ना है, तो ऐसे ही पढ़ाई करिए दोस्तों, या तो हमारे वीडियो कोर्स के थ्रू कर लीजिए, या तो आप खुद से करना चाहते हो तो खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन करना आपको यही है, कोई भी एग्जाम करना है तो, ठीक है ना। जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, आप दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए, जस्ट सर्च करिए DKS IAS अकेडमी, हमारा ऐप आपको मिल जाएगा दोस्तों, आप प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लीजिए। कैसे यूज़ करना ऐप, उसमें आपको वीडियोज मिल जाएंगी, और करंट अफेयर वहाँ भी अपलोड होता है, तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो आराम से, ठीक है। आज हम दोस्तों 4 जनवरी करंट अफेयर स्टार्ट करेंगे, बहुत सारे चेंजेस आपको दिख रहे होंगे आज, ठीक है। तो 4 जनवरी का करंट अफेयर हम पढ़ेंगे, उससे पहले थोड़े से जो हमारा मेंटरशिप प्रोग्राम है, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर हमें मेंटरशिप चाहिए 2021 के लिए, प्रीलिम्स के लिए।
तो अगर आपको ज्वाइन करना तो हमारा 6 मंथ का मेंबरशिप होगा, इसकी वैलिडिटी 1 साल तक रहती है बेसिकली, ठीक है। तो ये 1 ईयर तक वैलिडिटी रहेगी, आपको ज्वाइन करना तो कर सकते हो। टारगेट 2022, जिनको 2022 के लिए टारगेट करना है, ठीक है, और उनको मेंटर चाहिए। मेंटर मतलब देखो बेसिकली कि हमारे पास आपके पास 3 मेंटर हमारी तरफ से मिलेंगे आपको, ठीक है। इसमें 2 मेंटर से आप कभी भी बात कर सकते हो, उसमें आपको एक ऑप्शन दिया जाएगा, ठीक है, जिसमें आप मैसेज कभी भी ड्रॉप करोगे। हर संडे संडे तक पूरे वीक का वो टारगेट देंगे आपको, पूरा टारगेट अचीव करने के लिए, कि आपको मंडे को क्या करना है, ट्यूजडे को क्या करना है, वेडनेसडे को क्या करना है, ठीक है, कैसे कैसे आपको अपनी पढ़ाई करनी है। और ऐसा नहीं कि तुरंत कह देंगे नहीं 10 घंटे पढ़ाई करनी है, नहीं, वो क्या करेंगे आपको, वो दोस्तों आपको थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा टास्क देंगे। मतलब एक दिन पहले अगर स्टार्ट करो बेसिक्स, तो 1 घंटे पढ़ाई करनी है, 1 घंटे के बाद धीरे धीरे 1.5 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, फिर उसके बाद जाते जाते आपको 10 घंटे पर ले जाएंगे वो। तो मेंटर का काम बेसिकली हो जाता है कि आपको पुश करना, ठीक है। तो हम आपके लिए मेंटर प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। तो उसमें आपको मेल मेंटर भी मिलेंगे, फीमेल मेंटर भी मिलेंगे, तो आपको बेसिकली वो गाइड करेंगे कि आगे कैसे पढ़ाई करनी है। जिनको एनसीईआरटी फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना दोस्तों, डेफिनेटली आप ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डेमो देखना है, तो बेसिकली आज देखो, आज तो ऐसे जियोग्राफी की जो मैपिंग है वो स्टार्ट होने वाली है, राइट। जो हमारी वीडियोस वाली क्लासेस स्टार्ट होने वाली है, उस पर जब भी स्टार्ट होता है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे अभी, ठीक है। और बाकी हमारे वेरियस कोर्सेज दोस्तों एनसीईआरटी के, जिनको ज्वाइन करना है, बाकी पॉलिटी लक्ष्मीकांत हमने पढ़ा रखी है, स्पेक्ट्रम पढ़ा रखा है, जिनको ज्वाइन करना है वो आप ज्वाइन कर सकते हो। पेमेंट मेथड को 3 तरीके से कर सकते हो, एक तो ऐप के थ्रू जाके कर सकते हो, या अकाउंट दे रखा है अकाउंट के थ्रू कर सकते हो, या तो फिर हमें आप डायरेक्टली फोनपे, पेटीएम, गूगल पे, भीम यूपीआई के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो। अब बात करें करंट अफेयर की, करंट अफेयर के लिए दोस्तों मैंने इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। मेरा प्रयास ये है कि दोस्तों कि मैं आपको डुअल लैंग्वेज चीज़ें दूँ, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हिंदी मीडियम वाले हैं, और बहुत सारे बच्चों को इंग्लिश चाहिए होता है, इंग्लिश मतलब हिंदी इंग्लिश का मिक्सचर चाहिए होता है, ठीक है। तो आपको जो लैंग्वेज चूज़ करना है आप कर लीजिए। हमारा कोशिश यही रहेगा दोस्तों कि हम आपको अब से करंट अफेयर डुअल लैंग्वेज प्रोवाइड कराएं, ठीक है, तो आपको सचेस कोई इशू हो ही ना। तो देखो पहले करंट अफेयर की बात करें अगर, तो सबसे पहला है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अब चर्चा में क्यों है दोस्तों, इन्होंने 30 दिसंबर 1943 को पोर्ट ब्लेयर में झंडा फहराया था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी बोलते थे इनको। अब इनसे रिलेटेड देखो फैक्ट्स आपको क्या रखना है, जो प्रीलिम्स में आपसे डायरेक्टली पूछा सकता है। तो प्रीलिम्स में आपसे कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, ये आपको जस्ट याद रखना है। प्रीलिम्स से कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, पहला हरिपुर अधिवेशन में इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, बेसिकली इसका प्रेसिडेंट थे वो, अध्यक्ष चुने गए थे। तो 1938 में भी अध्यक्ष थे दोस्तों, और त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था जहाँ पे इनका डिस्प्यूट भी हो गया था थोड़ा महात्मा गांधी की वजह से, मतलब महात्मा गांधी की वजह से नहीं कहूँगा, मतलब महात्मा गांधी और इनके विचार में थोड़ा सा डिफरेंस हुआ करता था, जिसकी वजह से इन्होंने 1939 में क्या हुआ, अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया। उसके बाद इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको टर्म्स याद रखना है, आप हिंदी में पढ़ रहे हैं तब भी ठीक है, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं तो आप क्या रखोगे, प्रेसिडेंट, अध्यक्ष को प्रेसिडेंट बोलते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस। हाँ, अब देखो एक पॉइंट आपको यहाँ याद रखना है, अगर आपके पास स्पेक्ट्रम होगी दोस्तों, ठीक है, वैसे तो होनी चाहिए आपके पास, स्पेक्ट्रम की बुक आती है, ठीक है, अगर आपके पास एक किताब है या कोई भी हिस्ट्री किताब है, जो मॉडर्न हिस्ट्री है, मॉडर्न हिस्ट्री कोई भी किताब है आपके पास, तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में जरूर पढ़िए आप। और खासतौर पर इसकी स्थापना दोस्तों 1885 में हुई थी, एओ ह्यूम की मदद से हुई थी। तो 85 से लेके 1947 तक इनके जो भी अधिवेशन हुए हैं, ठीक है, आप एक बार जरूर गो थ्रू जाइए। और खास तौर पर कुछ इंपॉर्टेंट भी इनके अधिवेशन से, 1916 वाले अधिवेशन की बात कर लो या 28 की बात कर लो, ठीक है, 28, 29, 31, ठीक है, 38, 39, तो कुछ मेजर मेजर इसमें इनके अधिवेशन से जो आपको याद रखने हैं, ठीक है, 1909 का अधिवेशन, 1905 का अधिवेशन, 1907 का सूरत स्प्लिट अधिवेशन, तो ऐसे आपको थोड़े मेजर मेजर वाले जो है ना, वो लखनऊ 1917, तो ये सारी चीज़ें आपको जस्ट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो करंट अफेयर में हम ऐसा नहीं कर सकते पूरी हिस्ट्री पढ़े, ठीक है, बट मैं आपको बताते चल रहा हूँ कि देखो आपको एक्स्ट्रा क्या करना पड़ता है, कैसे कोरिलेट करते हैं चीज़ों को करंट से लेके हिस्ट्री में, या किसी भी सब्जेक्ट से कैसे कोरिलेट करते हैं। अगर ये लिंकिंग सीख गए तो करंट अफेयर बेसिकली दोस्तों कुछ भी नहीं है, करंट अफेयर कुछ भी नहीं है, जो आपका फाउंडेशन है ना उसी फाउंडेशन से कहीं ना कहीं कोरिलेट हो जाता है, 2% होता है करंट अफेयर, बाकी जितने 98 चीजें हैं ना, 98% वो आपको कहीं ना कहीं आपके फाउंडेशन कोर्स से ही क्वेश्चन आते हैं, 2% करंट अफेयर होता है, ठीक है। हमको हमें क्या लगता है कि ये सारा देखो 2016 का कैसा लगता है, 2016 में क्या था कि करंट अफेयर दोस्तों लगभग, मतलब बेसिकली प्योर करंट अफेयर दोस्तों 20 से 30% आ गए थे, बट ऐसा हर बार नहीं होता। पिछली बार का पेपर उठा के देखो आप, आपको 10% करंट अफेयर नाम का था, बट बेसिकली उसको देखोगे तो सब कुछ कहीं ना कहीं स्टैटिक पार्ट ही था वो आपका, ठीक है। तो चीज़ें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट में से इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं आकाशीय बिजली से भारतीयों की अधिक संख्या में मौत के कारण क्या है, वाई लाइटनिंग स्टिल किल्स सो मैनी इंडियंस, राइट। अगर आप बात करें अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 तक, तो 1771 डेथ्स हो चुकी हैं अभी तक, ठीक है, ये डाटा आया है बेसिकली, ठीक है। अब देखो
अब आप सोच रहे हो बिजली से 1771 लोगों की मौत कैसे हो सकती है, बिजली गिरने की वजह से कैसे हो सकती है। तो देखा, अब यूपीएससी ये नहीं पूछेगा कितने लोग की मौत हुई, ये स्टेट पीएससी पूछेगा, पीसीएस पूछेगा ये सब, ठीक है। यूपीएससी को इंटरेस्ट किसमें है यार, ये बिजली गिरती कैसे है, समझ रहे हो आप, बिजली गिरती कैसे है या बनती कैसे है, बिजली आकाश में बादल है और पृथ्वी पे कैसे बिजली गिर जाती है, वो कॉन्सेप्ट उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखिएगा। प्लस इससे हमें घाटा क्या हो रहा है, अगर बिजली गिर रही है तो लेकिन एक तो डेट हो रही है, उससे उसके अलावा हमें क्या मतलब डिफिशियंट क्या हो रहा है हमारे लिए, घाटा क्या हो रहा है बेसिकली, अगर उसकी बात करें। देखो होता क्या है कि गवर्नमेंट आज के टाइम पे 4 लाख रुपए उसमें मुआवजा देती है अगर डेथ होती है तो। इवन आपके पशु मतलब जो आपके जानवर होते हैं जैसे गाय भैंस वगैरह होती है, अगर उसकी डेथ होती है ना तो उस पर भी आप मुआवजा क्या कर सकते हो, क्लेम करते हैं लोग, ठीक है। तो उसमें उनको क्या मिलता है, मुआवजा मिलता है। अब तक गवर्नमेंट ने 5 साल में, पिछले 5 साल में कितना मुआवजा दे रखा है, 359 करोड़ रुपए, ठीक है, 359 करोड़ रुपए बस वो कंपनसेशन दे चुके हैं। अब देखो अगर इसके अलावा अगर ये 360 करोड़ अगर लगभग मान लेते हैं, अगर 360 करोड़ रुपए अगर इन्होंने एज ए मुआवजा दे दिया, कंपनसेशन दे दिया, तो ये लोग क्या कर सकते थे इसके अलावा, तो टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेते ना कि जहाँ बिजली गिरने की संभावना है या जिस एरिया में गिरने की संभावना है वहाँ पे लोगों को इन्फॉर्म करते कि भैया ये इस टाइम पे आप बाहर ना निकलिए, तो लोगों की मौत भी बच सकती थी, प्लस जो इनके पशु जानवर बाहर घूम रहे थे तो उनको भी बचाया जा सकता था। जनरली आप टेंडेंसी क्या होती है, जहाँ पे बिजली गिरती है ना उस एरिया में ज़्यादातर टाइम बिजली गिरती ही रहती है, ठीक है, ये बेसिकली टेंडेंसी होती है। तो अगर इसको समझे तो कैसे काम करता है उसको भी समझेंगे। देखो होता क्या कि आप क्लाउड्स देखते होंगे एटमोसफियर में, क्लाउड्स है तो ये क्लाउड्स दोस्तों लगभग 10 से 12 किलोमीटर मतलब लंबा चौड़ा होता है, ऊंचा था ऊंचा ऊंचाई भी थोड़ी कम होती है, बट ये लंबे बादल से उत्पन्न होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इमेज में दिखाता हूँ तब आपको ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। देखो ये अब क्या है, ये आपके बादल है, ठीक है। अब आसमान में देखते हो कि आप बिजली चमकती है, बिजली चमकती के क्या होता है, आपको देखते हो कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों एक साथ होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज जब दोनों एक साथ आवेशित होते हैं तो बेसिकली क्या होता है, बिजली हमें आसमान में चमकती हुई दिखाई देती है। हमारा सरफेस क्या होता है, हमारा सरफेस दोस्तों क्या करता है, पॉजिटिव चार्ज देता है, ठीक है। तो जब ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, नीचे क्या होता है पॉजिटिव, देखो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन होता क्या है धीरे धीरे जब ये बादल पानी जब इसका जो ओस की बूंदे होती हैं धीरे धीरे जब हैवी होते जाते हैं, ठीक है, तो धीरे धीरे बादल क्या होता है नीचे आते जाता है, नीचे आते जाता है, नीचे जाता है। तो इसमें जो निगेटिव चार्ज होती है ना, आप नीचे क्या है पॉजिटिव है, तो आपको पता है निगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है धीरे 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 एक टाइम पर ऐसा आता है कि ये बादल धीरे धीरे नीचे आते जाते हैं और इधर से पॉजिटिव चार्ज ऊपर चला जाता है और ऊपर से निगेटिव चार्ज नीचे आता जाता है, जहां इनका मिलन हो जाता है दोस्तों वही बिजली तर 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 चमक जाती है, राइट। तो बेसिकली यही होता है कि बिजली गिरना इसको बोलते हैं। तो बिजली पृथ्वी पूरे अर्थ तक आती है, पूरे अर्थ तक करंट आ जाता है बेसिकली। आप ऐसा समझ लो ये निगेटिव वाला तार यहाँ है, पॉजिटिव वाला तार यहाँ पे है, ठीक है। अब धीरे 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 निगेटिव सॉरी ये हाँ ठीक है, अब ये निगेटिव वाला तार धीरे धीरे नीचे आ रहा है और यहाँ पे क्या है कि एटमोसफेयर बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे धीरे 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 ये कण धीरे धीरे ऊपर ही हो रहे हैं, ठीक है। तो ये धीरे धीरे अट्रैक्शन होने लगता है, जब ये थोड़ा नीचे आती है बादल तो पास आते आते क्या होता है इसमें अट्रैक्शन होने लगता है, तो ये इधर ऊपर घिसता है और ये नीचे घिसता है, तो दोनों जहाँ मिल जाते हैं वहाँ करंट पैदा हो जाता है, बेसिकली ये कॉन्सेप्ट समझ लो आप, ठीक है। तो ये बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जो बिजली चमकने का कारण होता है। बहुत सारे बच्चों को तो अभी तक नहीं पता रहा होगा, इस स्लाइड्स को आप पूरा पढ़िएगा एक बार, इसको देखिएगा एक बार अच्छे से, आपको बहुत सारी चीज़ें क्या होंगी क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब बात करें दोस्तों एनीमिया की, एनीमिया लगभग हमेशा चर्चा में रहता है दोस्तों, और खासतौर पर ये फीमेल्स के लिए बड़ा मतलब बहुत ही मतलब प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बेसिकली क्या है एनीमिया, सबसे पहले तो ये समझते हैं जिसको हम रक्त अलापता बोलते हैं। तो एनीमिया की अगर बात करें दोस्तों, तो एनीमिया में होता क्या है, एनीमिया में दोस्तों होते बेसिकली अगर बात करें तो एनीमिया में दोस्तों हमारे शरीर में खून की कमी हो जाती है, और जनरली ये मेल फीमेल की अगर बात करें, ठीक है, तो फीमेल में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं। फीमेल में प्रॉब्लम क्यों होती है सबसे ज़्यादा, देखो फीमेल में प्रॉब्लम्स दोस्तों दो कारण होता है बेसिकली, ठीक है। एक तो होता है कि इनमें आयरन की कमी हो जाती है, ठीक है, आयरन की कमी हो जाती है, और दूसरा एक कारण ये भी होता है किसकी वजह से हो जाता है, विटामिन 12 की वजह से, अगर विटामिन 12 की कमी है ना तब भी क्या होता है एनीमिया हो जाता है। अब आयरन की कमी फीमेल्स में ज़्यादातर क्यों होती है, आपने एक बहुत बार सुना होगा कि जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको बोला जाता है कि आयरन की गोली, अगर आपने गांव वगैरह में सुना होगा आशा कार्यकर्ताएं होती हैं वो आयरन की गोली देती है, अगर टीवी में देखते हो तो कभी कई बार न्यूज आता है कि जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं उनको क्या करना चाहिए, आयरन की गोली खानी चाहिए। क्यों होता है ऐसा आपके दिमाग में आ सकता है, राइट। इसका सबसे बेसिक रीजन दोस्तों होता है कि जो जब गर्भावस्था होती है ना तो उस दौरान क्या होता है उनका भ्रूण क्या होता है विकसित होता है, तो भ्रूण की वृद्धि के लिए दोस्तों हमें सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है, आयरन की।
अगर हमें आयरन की ज्यादा आवश्यकता है, मान लेते हैं हमें 10 यूनिट की आवश्यकता है और हमारे शरीर में 2 ही यूनिट है, तो क्षतिपूर्ति कैसे होगी? और ये ग्रोथ कर रहा है तो हमें इसकी आवश्यकता क्या होगी, ज्यादा बढ़ती ही जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो हमें बाहर से क्या लेना पड़ेगा, आयरन की चीजें लेनी पड़ेगी, राइट, आयरन की गोली लेनी पड़ेगी। बेसिकली ये होता है। तो एक तो होता है कि जो आपको जो माँ के गर्भावस्था में जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है, जो बढ़ता रहता है धीरे धीरे, ग्रोथ करता रहता है एम्ब्रियो, ठीक है, तो उसके उस टाइम पर उनको क्या होती है, आयरन की कमी होने लगती है। तो तब कहा जाता है कि आयरन की गोली देनी चाहिए। एक तो ये रीजन हो जाता है। दूसरा, फीमेल्स में दोस्तों इनका जो पीरियड्स चलते हैं, जो मासिक धर्म जिसको बेसिकली बोलते हैं दोस्तों, ठीक है, इसके वजह से क्या होता है, इनकी बॉडी से बहुत ज़्यादा रक्त निकल जाता है, ठीक है, तो इसकी वजह से भी क्या होता है, इनमें रक्त की कमी हो जाती है, जिसको हम एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। हर मंथली साइकिल्स इनके चलते हैं, तो हर मंथ पीरियड्स होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारे ब्लड्स निकलते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि इसमें भी रक्त की कमी होने की वजह से भी इसमें हो जाता है, एनीमिया हो जाता है उनको। तो दो रीजंस होते हैं जो फीमेल्स में होते हैं, मेल में ऐसी चीज़ें होती नहीं है, ना मेन प्रेग्नेंट होते हैं, ना मेन्स का मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, जिसकी वजह से उनमें जनरली क्या होता है कि एनीमिया की कमी नहीं होती है, लेकिन फीमेल्स में सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि दो रीजंस हो जाते हैं और भी बड़े बड़े रीजंस हैं। एक तो मेंस्ट्रुएशन हो जाता है दोस्तों, और एक इनका जो फोइटस होता है उस टाइम पर ग्रो करता है, उस टाइम के लिए हो जाता है, ठीक है। ये पीछे बेसिक चीज़ें याद रखें, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, इवन जनरल लाइफ के लिए भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्लस यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों सहायक एनजी के बारे में। तो सहायक एनजी क्या है, सहायक एनजी अगर बात करें दोस्तों, तो बेसिकली उसको डीआरडीओ ने डेवलप किया है। ये है क्या, बेसिकली जीपीएस टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें होगा क्या, मान लेते हैं इससे हम क्या करते हैं, 50 किलो का कोई सामान ड्रॉप करते हैं, ठीक है, 50 केजी का मेरे पास कोई सामान है, मैंने इसको क्या किया, ड्रॉप किया जमीन पे। अब जनरली हम अगर आसमान में उड़ रहे हैं, मान लेते हैं हमारे ये जहाज है, ठीक है, मान लेते हैं हमारे जहाज है, इस जहाज से हम क्या कर रहे हैं दोस्तों, उड़ रहे हैं, राइट, इस जहाज से मैंने ड्रॉप किया तो क्या होता है, पूरा लिया धम से नीचे गिर जाता है। लेकिन इसको हम सॉफ्ट लैंडिंग कराना चाहे तो क्या करेंगे, तो बेसिकली हम इससे गिराएंगे, तो ये क्या करेगा, धीरे 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 ले जाके आराम से यहाँ पे ड्रॉप कर देगा, ठीक है, 50 किलो तक के वजन को। 50 किलो का सामान अगर हमें कहीं जैसे हिली एरिया है, ठीक है, या समुद्र में छोड़ना है, या फिर किसी सीप पे पहुंचाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐसा तो नहीं आसमान से डायरेक्टली छोड़ा और धम से आगे गिर जाएगा, राइट, मतलब उसके चिथड़े उड़ जाएंगे, राइट। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली ये क्या करेगा, जाके जैसे ये देखो बना हुआ, ये धीरे धीरे लेके यहाँ सॉफ्ट लैंडिंग करा देगा कंटेनर को, कहाँ पे, कहीं भी जाके सॉफ्ट लैंडिंग करा देगा कंटेनर को, ठीक है। तो बेसिकली याद रखिएगा किसने बनाया, सहायक एनजी, डीआरडीओ ने बनाया है, ठीक है, खुद का बनाया हुआ है, इंडिजीनियस डेवलपमेंट है हमारा, ठीक है। तो ये याद रखिए, जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, ये बेसिकली क्या है, एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, ठीक है, जो भी बेसिकली क्या करेगा, हवा से सतह पर उतारा जाने वाला कंटेनर है। इतनी चीजें याद रखिए जो आपके एग्जाम पॉइंट से ज्यादा रिलेवेंट है और ये पूछा भी जा सकता है आपसे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतने रखते हैं, ऐसा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।